निवाड़ी जिले के ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, गांव में सड़क तक नहीं है। ग्रामीणों ने हाथों में तख्ती लेकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के समय में तो कच्ची सड़क पर चलना दुर्भर हो जाता है, गाँव में एम्बुलेंस तक नहीं है, चारपाई के सहारे जो है मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं एसडीएम का कहना है मामले की जानकारी नहीं थी, ग्रामीणों से बात की जाएगी और जाँच की जाएगी। सर हमारा ये जो रोड था 2 किलोमीटर की दूरी में जो बोरे सर में मेन रोड पर टच होने था, वो पैसा स्वीकृत हो गया था कम से करीब 2 साल पहले। वो पैसा अध्यक्ष और सचिव के खाते में आया था, उस पैसे का कोई अब तक पता नहीं है ना वो रोड डला है। रोड मंजूर था, स्वीकृत भी था, अब तक वो रोड नहीं डला है सर। वो रोड हम लोग चाहते हैं गाँव वाले के जो रोड सामने वाला हमारा मेन सड़क में टच होना चाहिए। अब क्या करोगे जब रोड नहीं डला तो सर वोट भी नहीं देंगे, प्रशासन भी खराब है फिर ये। जब 11-12 लाख रुपया भी निकल चुका है, बताओ मतलब आया सुनाया में लगभग पंचायत के अंदर कि 10-11 लाख रुपया भी इस पर निकल चुका है। आप वोट डालोगे तो नहीं? नहीं डालेंगे सर। रोड नहीं है सर, बहुत परेशानी है बच्चों को। नेता लोग आते हैं, हम ये रोड लगवा देंगे, हेडपंप लगवा देंगे, कुछ भी नहीं साधन होती है। कई ऐसे 20-40 साल के वोट डाल रहे हैं, सब रास्ता नहीं है करने के लिए, बच्चा रास्ते में कीचा में गिर गिर जा रहे हैं। डिलीवरी हमारी खाट पे क्या दिक्कत होती है जब बस पानी के मौसम में? पानी के मौसम पे आते बच्चे निकल नहीं पाते, जो लूले आदमी बेबी नहीं निकल पाते, जिसके बच्चा पेट में वो भी नहीं निकल पा रहे, किसी को गाड़ी वाहन भी नहीं निकल पा रहा। हमको तो भाई साहब रोड चाहिए तो हम वोट देंगे, नहीं तो भाई हम वोट नहीं देंगे। हमको तो पहला रोड चाहिए, इसके बाद में वोट देंगे। अच्छा, यह मजरा शिवलाल की जो समस्या है इसके बारे में आज आपके माध्यम से मेरे को संज्ञान में आया है। इसके पहले ये जानकारी नहीं लगी थी कि ग्रामीणों ने इस प्रकार का कोई आह्वान किया है कि सड़क नहीं तो वो रोड नहीं। हम इस समस्या को सीओ साहब के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे और जितनी जल्दी हो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वैसे वोटिंग के लिए हमारी स्वीप की गतिविधियाँ लगातार जारी है, हमारा एक रथ भी जा रहा है, ग्राम पंचायत में जाकर बैठ के यानी ग्रामीणों से चर्चा की जाएगी और जो भी समाधान होगा उसका निकालेंगे। कोशिश यही रहेगी